हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो होली का वीडियो है वो टू बी कंटिन्यूड है, क्योंकि कुछ इसके अंदर ऐसी क्लिपिंग्स थी जो वीडियो की लेंथ की वजह से मैं उसमें नहीं डाल पाई थी, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसको हमारे साथ इन्जॉय कीजिए। और हाँ, कुछ और सेलिब्रेशन हमने इस ब्लॉग के अंदर की हैं जिसकी क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर डाली हैं, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप उनको भी देखें, आपको इन्जॉय करके बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, बने रहिए फिर हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होली है, एक प्रेप एरिया, एक किचन है जहाँ काम हो रहा है। अब कुछ हो गया, बात हो रही है हमारे मनी की। हाँ। और जिसको मैं क्या बोलती हूँ, मनीषा। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे किचन में कोई बात होती है तो थोड़ी देर बाद ना ऐसे वो इस दीवार में से एक बंदा जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ मनी, कैसे करते बोलने रहेगा प्लीज? सीधा सा वहां से आएगा, कहीं से कुछ भी हो, हम कहीं भी हों, ऐसे झांक के बोलेगा क्या हुआ। और एक्शन क्या कहते हैं, जो किसी और ने नहीं किया वो मैं कर रहा हूं। ये कैमरे में देखकर डांस करता है और दिखाता है कि देखो। और फिर मुझे बताया, आपने मेरे पास कैमरे में देखा था, क्योंकि 24 घंटे में वही देखती रहती, तो क्या कर रहा है इसको बैठे लेकिन दबाओ। और आंटी आप क्या करते, किसने किया नहीं पता, मैं नहीं किता। और यही होती है हमेशा, सिस्टम था। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं बैग में कुछ लेने जाती थी, सबसे पहले मैं बाल्टी का ढक्कन उठा के गुलाब जामुन खाती थी। गुलाब जामुन तुम लोग अपने कान बंद करो, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कान बंद, को छुपाने की जरूरत ही नहीं है। आगे गुलाब जामुन खाइए, मतलब 10 गुलाब जामुन बनाई कितने हैं, उनके घरों में किचन पे जाओ, रेसिपी देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल आंटी राज। ठंडे वाले एक कनाडा छोटे बंडा, तो वहाँ जाकर बैठ सकते हो, छोटा है इसलिए, इसके जैसे पापा मम्मी है हम लोग उनसे ज्यादा ही हैं, और वो जो बैठा है वो हमारे से भी ज्यादा है, मतलब हम कुछ कह देंगे कर ले, बेचारा ऐसे फंसता है। मम्मी कहेंगे अच्छा ये मेरे को देख रहे हो क्या, पुरानी बात है, तुम्हारी शादी से पहले की बात है, शादी के टाइम की शादी सामने बहुत बड़े मॉल में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द पार्टी, थैंक यू सर फॉर कमिंग। तो बस हमारी होली खत्म हुई थी और बस हम सेकंड सेलिब्रेशन में लग गए, सनी का बर्थडे था तो बस हम उसकी बर्थडे ब्रिंग इन और बर्थडे की तैयारियों में लग गए। तो बस देखिए हम लोगों ने कैसे उसको एंजॉय किया, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो सच में दिल को छू गए हैं लास्ट तक। तो आप प्लीज़ बने रहिए और देखिए कैसे कैसे हम लोगों ने क्या किया और वो क्या मूवमेंट्स थे जो एकदम से दिल को छू गए। चलिए तो फिर चलते हैं मेरे साथ। और बस जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिला, हमने सोचा थोड़ा सा उसकी डेकोरेशन कर ली जाए, तो बस थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन की और ये केक बनाया था मैंने, जो कुछ भी लेकर आ रही है उसे लग रहा है हम सनी को सरप्राइज़ दे रहे हैं। ये देखिए उसके रिएक्शन से आपको लग रहा होगा, पर यहाँ ये महाराज तो फुली इस मूड में बैठे थे कि हाँ उनका केक आ रहा है, उन्हें सब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। थैंक यू।
हाँ जी मम्मा। हाँ, क्या खाना है? मैं मम्मा निहारी खा लूंगा नान के साथ। निहारी नान के साथ कौन सा नान? गार्लिक नान। गार्लिक नान, बटर नान नहीं? नहीं नहीं, गार्लिक नान। अच्छा, और क्या खाना है? बस इतना बहुत है। और गुलाब जामुन बस। गुलाब जामुन तो मैं नहीं आऊंगी। और कोक, और कोक भी नहीं। ठीक है, और नहीं बस। और नहीं नहीं, बस बहुत है। हाँ बहुत, इतना बहुत है। चलो मामा से पूछ लो। प्याज भी कह रहे हैं मामा। मामा प्याज भी कह रहे हैं लाने को। ओके, और कुछ नहीं बस बहुत है। गिफ्ट दे दो, उसकी नजर उसी पे है। खोल के देखो, पहले बड़ा वाला। वो तो बाद में खोल लियो, पड़ा रहने दे अभी। नहीं नहीं वो देखो। क्या मिला? नहीं पापा, इसको ऐसे कर लेते हैं। कर दूँ? चेक कर दे, मैं ही खुल गया। क्या वो वेट कर रहा है मेरे ऊपर आने वाला है कुछ? वो लगान में कचड़ा था ना, कचड़ा, उसके साथ आमिर खान खड़ा हुआ है, और ऊपर ना रशिया का और यूक्रेन का वो है, तो उसके अंदर आया आईसिस ने बयान दिया कि दोनों देश आपस में सुलह करें, और नीचे आमिर खान लिखा लो कचड़ा भी ज्ञान बांटे। मेरी फर्स्ट सैलरी। ओह माय गॉड, भाई एक ही बात। बहुत बड़ा हो गया मेरे लड़का। कहा तुम उसमें रुला दिया? ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम रखो के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब आगे तरक्की कर। $2 मंदिर में रख दो। हाँ मंदिर में बेटा। सच सनी, तुमने रुला दिया। और ये इतनी एडोरेबल क्लिपिंग है ना, जिसको कि मैं अगर इस वीडियो में ना डालूं तो शायद मेरा व्लॉग अधूरा रह जाएगा। ये सनी के मम्मी पापा की विशेज़, उनके मन से निकला हुआ आशीर्वाद अपने बच्चे के लिए हैं, जिसे उन्होंने यादों की माला में संजो कर पिरो कर भेजा है। और इतना खूबसूरत है कि इसे मैं अगर यहाँ ना लगा पाई तो ऐसा लगेगा मैंने कहीं इनजस्टिस कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको सुनिए। सच कुछ फीलिंग्स दुनिया में ऐसी होती है ना कि जिनको बयान करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते, तो बस यही कुछ ऐसी अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स जिसको उन्होंने कैप्चर करके और सबको इन्वॉल्व करके वो क्लिपिंग बनाकर भेजी है, तो सच्ची आप लोग भी इसको देखिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। आप लोग भी इसको इन्जॉय कीजिए और इसको विश कीजिए। चलिए, तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।